आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर किसान संगठनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल एवं भारत बंद के आह्वान पर किसान सभा अर्की इकाई एवं छात्र संगठन एसएफआई के बैनर तले आज दारलाघाट की सड़कों पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में रैली निकाली तथा धरना व प्रदर्शन में भाग लेते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा बस स्टैंड में एक नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया। जो ये राष्ट्रव्यापी भारत बंद की जो कॉल किसान संगठनों ने दी है, इस उपलक्ष्य में हम भी आज दालाघाट में अखिल भारतीय किसान सभा एसएफआई डीवाईएफआई और जो दूसरे हमारे प्रगतिशील संगठन है उनके साथ मिलकर तमाम कार्यकर्ताओं ने दालाघाट में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन यहाँ पर किया और इस भारत बंद की कॉल में हम सभी लोग शामिल हुए हैं। हम इस धरने इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ये चेताने आए हैं कि जो इस देश के किसान के खिलाफ आप काले कानून लेके आए हैं उन काले कानूनों को वापस लें। मंडीकरण की जो व्यवस्था जो सदियों से इस देश में चल रही है उस मंडीकरण की व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ना कि उसको समाप्त किया जाए। और इस देश के किसान का जो किसान को जो MSP मिलता है, जो मार्केट जो सपोर्ट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिलता है उसको कंटिन्यू किया जाए, जो कि आपने इस बिल में उसको साइलेंट रखा है, उसको खत्म करके आपने लोगों को ये कह रहे हैं कि हम लिखित में गारंटी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून में आपने कोई प्रावधान ऐसा किया नहीं है। इसे लिखित रूप में कोई गारंटी की कोई विशेषता रह नहीं जाती, इस कानून को वापस लेना होगा और या आपको कानून में ही ये इस चीज़ का व्यवस्था करनी होगी कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को वो कंटिन्यू करेंगे, मंडियों को ख़त्म नहीं करेंगे और किसान की जो दूसरे मांगे हैं जिसमें कि आप होर्डिंग की आपने परमिशन दी है, आप स्टॉक जितना मर्जी रख सकता है आपका उद्योगपति, जो कि पहले रख नहीं सकता था असेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत, इससे कालाबाजारी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। इन तमाम चीज़ों के खिलाफ हम सड़कों पे आए हैं और भारतवर्ष में जो किसान दिल्ली के बॉर्डर में डटा हुआ है, आप अपने इलाकों में जो डटा हुआ है उसके समर्थन में हम सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने यहाँ पे आए। सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिलाध्यक्ष रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के पश्चात नोटबंदी GST जैसे कानूनों से आम जनता की तकलीफों में इजाफा किया गया। देश की सरकारी संपत्ति को पूंजीपतियों के हाथ कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, मौजूदा कृषि बिल उसी कड़ी का एक हिस्सा है। उन्होंने सभी किसानों को एकजुट होने के लिए आग्रह किया है। दारलाघाट जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज के लिए आशीष गुप्ता की रिपोर्ट।